because of you. मेरा और रणवीर का रिश्ता बर्बाद हो रहा है. निहारिका, अरे भला मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता कैसे बर्बाद हो सकता है? अगर तय किए हुए मुहूर्त पर तुम अपनी बेटियों की शादी होते देखना चाहती हो तो सुमन परमार अब कॉलेज नहीं जाएगी. क्यों निहारिका, आपके और उसके बीच की प्रॉब्लम्स मेरे पास लेकर आती है? What? निहारिका यहाँ आई थी? हाँ, कल रात को. और सिंदूर आंटी की तरह उसने भी मुझे बहुत कुछ सुनाया. क्या कहा उसने तुम्हें? परेशानी यही है कि ना मुझे सिंदूर आंटी की बात समझ में आई और ना ही निहारिका की. उसने तो मुझ पर ये इल्जाम लगाया है कि मैं आप दोनों के बीच में आ रही हूँ, उसकी खुशियों को छीन रही हूँ, आप दोनों का रिश्ता तोड़ने वाली हूँ. अरे कभी मैंने निहारिका को लेकर आपसे कोई बात की है? तो ये सब क्या हो रहा है रणवीर? इसका मतलब निहारिका को मेरी ना को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेना सिर्फ एक नाटक था. मैं समझ गई कि आप सच नहीं बताने वाले हो, तो ना सही. लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी वजह से ना सिंदूर आंटी परेशान हो और ना ही निहारिका. और मित्तल सदन जाके ना मेरी संजू और ना लाडो, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते. लेकिन मैं देखिए, हमें जो कहना था हम कह चुके. अब आप प्लीज यहां से जाइए आप यहां से. देखो सुमन, ट्रस्ट मी, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है. हमें आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है. क्या कहना चाहते, क्या करना चाहते, कुछ भी नहीं. अगर हमारे ना बात करने से सब कुछ ठीक हो रहा है तो हम भी यही करेंगे. ठीक है, आप प्लीज अपनी जिंदगी, अपने रिश्तों पर ध्यान दीजिए और हमें हमारी पढ़ाई और हमारी जिम्मेदारी पर ध्यान देने दीजिए. अरे सिंदू रानी, टेंशन ना ले, मैंने लल्ली को कॉलेज जाने से ही मना कर दिया. जानती हूँ, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि इस वक्त रणवीर तुम्हारे घर आया हुआ है. ये? रणवीर मारे घर में? थारे को कैसे पता चला? वो तो तुम रहने दो, लेकिन सबसे पहले घर से बाहर जाओ और रणवीर को वहां से रवाना करो. और कुछ इस तरह से करना कलावती कि रणवीर दोबारा तुम्हारे घर पर आने से पहले 100 बार सोचे. अरे वो तो तुम्हारे पे छोड़ दे, ऐसी खरी खोटी सुनाऊंगी थारे थारे छोरे को कैसे बोल सकूंगी. सिंधु, मैं कह रही हूं ना कलावती, और याद रहे रणवीर दोबारा तुम्हारे घर के आसपास नहीं दिखना चाहिए. देखो सुमन, प्रॉब्लम से भागने से कुछ नहीं होगा. एक काम करते हैं, बैठते हैं और इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं. अच्छा, क्या प्रॉब्लम है बताइए, बताइए. ठीक, तुम सुनना चाहती हो तो सुनो. मैं तुमसे सुमन, भीतर जा. और छोरे, कलावती की गोल मोल बातें करने की आदत ना है, इसलिए सीधी बात कर रही. थारे को यहां आके सुमन से मिलने की कोई जरूरत ना है. क्यों आंटी? क्यों पूछ रहा है छोरे? थारे को पता है सुमन कौन है? हमारे बेटे रवि की विधवा पत्नी, हमारे घर की बहू, हमारे पोते की माँ, हमारे घर की इज्जत. थारा सुमन से ऐसा मिलना देख लोग तरह तरह की बातें बनावेंगे. थारे को अच्छा लगेगा कि थारी वजह से हमारे इस पूरे घर की बदनामी हो इस मोहल्ले में? आंटी, इसमें बदनामी कैसी? सुमन और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और मेरे दोनों भाइयों का रिश्ता आपके घर में होने वाला है और रिश्तेदारी में आना जाना तो लगा ही रहता है आंटी, तो इसमें बदनामी कैसी? बात तो पते की छोरे ने जी, सिंधु का छोरा भी टेढ़ी खीर है. और देखो इस जलेबी जैसे काम को सिंधु ने मारे सर मार दिया. देख छोरे, रिश्तेदारी वाली बात बिल्कुल सही कही तुमने, लेकिन थारा सुमन से इस तरह मिलना सही ना है. अदीप, आज वो कॉलेज नहीं आई थी तो मैं सिर्फ उसको नोट्स देने आया था और कुछ भी नहीं. सुमन ने कहा था आके मुझे नोटिस दे. थारे कॉलेज में 2,500 स्टूडेंट से तो ज्यादा ही पढ़ते होंगे,
उनमें से तो कोई ना आवे सुमन से मिलने। तू क्यों चला आया? क्योंकि मुझे उसकी परवाह है। परवाह है? ए, तू होता कौन है उसकी परवाह करने वाला? तेरे कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट अगर बीमार पड़ गया या कहीं घूमने चला गया तो तू हर एक के घर में जावेगा पोस्टमैन बनके नोटिस देने के लिए? थारे को जरूरत क्या है सुमन से मिलने की? तुझे मिलना है ना, अपने दोस्तों से मिल, उससे मिल, वो निहारिका से जिससे थारा रिश्ता होने वाला है उससे जाके मिल। थारा के लेना देना है सुमन से? आंटी, अब तो सिर्फ सुमन से ही लेना देना। ए छोरे, तुम्हारा दिमाग खराब ना कर। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तू हमारी सहेली का छोरा है, निकल जा यहाँ से। लेकिन आंटी, देख मारे से जबान ना लग, निकल यहाँ से। सुमन से मिलने की कोशिश भी ना करना। अरे सुमन से थारा क्या रिश्ता है? रिश्ता ही तो बनाने आया हूँ आंटी, मैं सुमन से शादी करना चाहता हूँ। और हिम्मत कैसे हुई जे बात मारे से कहने की? तू सिंधु का छोरा नहीं होता ना तो यही जिंदा गाड़ देती थारे को इसी जमीन में। निकल यहाँ से। आप बड़ी आंटी, आप मार सकते, लेकिन एक बार मेरी गलती बता दीजिए बस। गलती पूछ रहा है? पता है सुमन कौन है? तुम्हारे बेटे की विधवा। विधवा से ब्याह का सपना देखना पाप है। आप जानती हैं आंटी, रवि के मौत के साथ साथ आपने सुमन की खुशियों को भी मार दिया। सुमन एक विधवा है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें सुमन की क्या गलती? आप सुमन की जिंदगी में खुशियां क्यों नहीं आती? छोरे, मौत हो क्या? तुम्हारे घर में खड़े होके तुम्हारे को सीख दे रहा है? सुमन हमारी बहू है, उसका भला बुरा सोचना मारा अधिकार है। तू होता कौन है जे बात करने वाला? निकल जा यहां से। और आज के बाद तूने मारी जोड़ी पे पैर भी रखा ना, तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा। मैं भूल जाऊंगी कि तू सिंदूरा का छोरा है। खबरदार जो दोबारा हमारे घर की दहलीज पर आया और हमारे सुमन से और हमारे पोते से मिलने की कोशिश भी की। निकल यहां से, दफा हो यहां से। ठीक है आंटी, मैं चला जाता हूं, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप जो भी फैसला लेने से पहले एक बार सुमन की मर्जी जान लीजिए बस। सुमन की मर्जी से के मतलब था इस छोरे का? तो जे गुल खिला रही है पढ़ाई की आड़ में, तभी तो कॉलेज जाने की इतनी आग लग रही थी इसे। अब समझ आया सिंधु की नाराजगी का कारण, और आज उसके कॉलेज जाने पर भी रोक लगा दी। और क्यों निहारिका ने घर आकर सुमन को खरी खोटी सुनाई? जे ठीक ना किया सुमन। सुमन, सुमन। जी मासा। ऐसा विश्वासघात कर रही है तुम्हारे साथ? मासा क्या हुआ है? क्या किया मैंने? क्या किया है मैंने? अब तुम्हारी समझ में आ रहा है कि जब मैंने कहा था कि तू कॉलेज ना जावेगी तो तू तड़प क्यों उठी थी? कॉलेज तू पढ़ने ना जा रही थी, तू कॉलेज पढ़ाई की आड़ में रंगरेलियां मना रही थी। मासा, आप क्या कह रहे हो? मासा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कहना चाहती है? बंद कर ये भोलेपन का नाटक। भूल गई जब पहले दिन तू कॉलेज गई थी के कहा था मैंने
कि तू कॉलेज सिर्फ पढ़ाई करने जावेगी, किसी छोरे से बात ना करेगी, दोस्ती तो दूर की बात है। और जब मैंने तुम्हारे सर पे यो पल्लू रखा था, ये कहा था कि ये साड़ी का पल्लू नहीं मारे घर की लाज है, झटके में तूने मारे घर की लाज को उतार के फेंक दिया। नहीं मासा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जो जो आपने मुझे कहा था मैंने कॉलेज में सब वही किया है। मैंने बस बंद कर मारी आंखों में धूल झोंकना। आज मारे को थारे मुंह से सच सुनना है। सच सच बता, क्यों आया था वो छोरा यहाँ? रणबीर क्यों आया था? पता क्या क्या के गया? थारे से शादी करना चाहता है। और मारे को ज्ञान दे रहा था कि मुझे थारी खुशी की परवाह नहीं है। अगर खुशी की परवाह होती तो थारा घर बसाती। ओरी, मारी छोरियों का घर बसते देख थारे मन में भी अरमान जाग उठे कि अपना घर भी बसा लूं। भूल गई थारी शादी हो चुकी थारी शादी, साथ फेरे ले चुकी है तू। के इसके साथ, हमारे छोरे के साथ, रवि के साथ भूल गई मारे बेटे को, जिसके बेटे की माँ है तू, मारे पोते की माँ भूल गई तू। मासा मेरा यकीन मानो, मैं कुछ नहीं भूली, कुछ भी नहीं। मुझे सब याद है, मेरे साथ मेरे याद है, तभी याद है। मासा शादी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा है, सोचना तो दूर की बात है। मासा मैं ऐसे कभी कर ही नहीं सकती। मासा आपने जो जो सिखाया था ना कॉलेज के पहले दिन कि पल्लू लेके जाना है, सिर्फ पढ़ाई पे करना, मासा मैंने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया। मासा मैंने और कुछ नहीं किया। उस रणवीर मित्तल को ये ख्याल कैसे आया मैं नहीं जानती। आप आने से पहले वो बाहर में उसे वही पूछ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मासा मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए, रवि की कसम। मत खा मारे बेटे की झूठी कसम। मासा भाभी की बात का यकीन तो कीजिए, आप क्यों उन्हें उल्टा सीधा सुनाई जा रही है? मुझे पूरा यकीन है कि भाभी ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। तू चुप कर, बढ़िया एक भाभी की पैरवी करने वाली। देख लिया मारी छोरियों को कितना यकीन है थारे पे। तूने मारी छोरियों का नहीं, मारे भी विश्वास का गला घोट दिया है। रणबीर मारी आंखों में आंखें डाल के बोला कि कोई भी फैसला करने से पहले थारी मर्जी जान लूं। क्यों कही उसने जे बात? कोई भी कुंवारा छोरा एक बच्चे की मां से ब्याह करने की बात कैसे कह सके है? जब तक कि उस बच्चे की मां ने उसे कोई सह ना दी हो, तूने जरूर उसे कोई सह दी है। मेरी मासा मैंने से कुछ भी नहीं किया, मासा कुछ भी नहीं किया। मासा अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं ना तो मैं कॉलेज जाऊंगी नहीं, पढ़ाई छोड़ दूंगी। मासा बोल मैंने से कभी कुछ सोचा ही नहीं है। मासा मेरे लिए सिर्फ आप मायने रखते, ये दोनों मायने रखते, मेरा वीर मायने रखता और कुछ नहीं। रणवीर मित्तल तो क्या, मैं किसी भी लड़के के बारे में कभी ना नहीं सोच सकती। मासा कभी भी नहीं। मासा रणवीर मित्तल मेरे लिए सिर्फ ये है कि वो मेरे क्लास में पढ़ता है और मित्तल परिवार का बेटा है, जहाँ पे इन दोनों की शादी होने वाली है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मासा मेरा विश्वास रखो, मैं रवि की कसम खाती हूँ, मैं ये बच्चे की कसम खाती हूँ। मासा कभी नहीं करूंगी आपको धोखा, कभी नहीं। चुप हो जा, तुम्हारी बात ध्यान से सुन। जो ये बात सच है तो ये बात यही खत्म हो जानी चाहिए। मुझे रणबीर के दिल से थारी शादी का ख्याल मिटाना होगा, कैसे भी करके। ये मैं ना जानती
ये थारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं ना चाहती कि थारी वजह से हमारी दोनों छोरियों के ब्याह में फिर कोई अड़चन आ जाए। समझ गई? अरे ब्रजेश, क्या हुआ रिपोर्ट का? डॉक्टर ने रिपोर्ट्स दी हैं और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक मासा की तबीयत दिन पर दिन नाजुक होती जा रही है। इस बात की चिंता तो हमें भी है ब्रजेश। भाई साहब, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। भाई साहब, जिस हिसाब से रणवीर चल रहा है, हमें नहीं लगता कि मासा की तीनों पोतों की शादी एक साथ देखने की इच्छा कभी पूरी हो भी पाएगी कि नहीं। यही चिंता हमें भी सता रही है नूपुर। अब हमें कोई ना कोई कड़ा फैसला अवश्य लेना होगा। घर में आती खुशियों को देखकर शायद मासा के स्वास्थ्य में कुछ सुधार आ जाए। अब क्या करें भाभी माँ, सब कुछ रणवीर के फैसले पर ही अटका हुआ। अब तो सिंदूरा किसने कह दिया तुमसे नूपुर? रणवीर का फैसला वही है जो उसकी माँ ने तय किया है। उसकी शादी निहारिका से ही होगी। I'm sorry to disappoint you, mom. But मैं सुमन से ही शादी करूंगा। तुम पागल हो गए हो रणवीर। वो लड़की किसी भी हाल में तुम्हारे लायक नहीं है। ऐसा आपको लगता है मॉम, मुझे नहीं। मुझे लगता है कि सुमन हर तरीके से मेरे लायक है, और अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुमन से, वरना किसी से नहीं। रणवीर, इस तरह बड़ों से आर्गुमेंट्स नहीं करते। मुझे भी कुछ कहना है। अगर रणवीर की शादी सुमन से नहीं हुई तो मैं भी संजना से शादी नहीं करूंगा। साहिल, अब ये नई बकवास तुमने क्या शुरू कर दी? एक तरफ मासा के स्वास्थ्य और दूसरी तरफ रणवीर की जिद को लेकर पूरा परिवार परेशान है, और तुमने नई शर्त रख दी। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको। सॉरी बड़े पापा, लेकिन मैंने अभी तक आप सबकी कोई बात नहीं टाली, यहाँ तक कि मेरे लिए लड़की भी आप सबने चुनी है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि रणवीर को सुमन से शादी करने की इजाज़त दी जाए। और रही बात दादी साहब की, उनकी इच्छा तो ये थी कि हम तीनों की शादी एक ही मंडप में एक ही दिन हो। अब अगर रणवीर की शादी नहीं होगी तो दादी साहब की इच्छा तो वैसे भी पूरी नहीं होगी ना। सिंदूरा, माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन साहिल ने शादी से इनकार नहीं किया है। वो तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि अगर रणवीर सुमन से शादी करना चाहता है तो साहिल सिर्फ उसका साथ दे रहा है। इसमें हर्ज ही क्या है भाई साहब? ये दोनों माँ बेटे रणवीर की जिद का फायदा उठाकर संजना से पीछा छुड़वाना चाहते हैं। पर तुम भूल रही हो नूपुर कि तुम्हारा सामना सिंदूरा मित्तल से है। तुमने मेरा काम और भी मुश्किल कर दिया है रणवीर, बट आई वोंट गिव अप। अब मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे तुम्हारे सर से सुमन का भी भूत उतर जाएगा और साहिल और मनन की शादी में भी कोई और रुकावट नहीं आएगी। कॉलेज तू पढ़ने ना जा रही थी? तू कॉलेज पढ़ाई की आड़ में रंगरेलियां मना रही थी? पता के कह के गया तारे से शादी करना चाहता है।
मैं ना चाहती। तुम्हारी वजह से हमारी दोनों छोरियों के ब्याह में फिर कोई अड़चन आ जाए। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तू हमारी सहेली का छोरा है, निकल मारे घर से। सुमन से मिलने की कोशिश भी ना करना। अरे सुमन से थारा क्या रिश्ता है? सिंपलिसिटी का ड्रामा करती हो और फिर जब अमीर घर के लड़के तुम्हारे झांसे में फंस जाते हैं तो उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने के ड्रीम्स देखने लगती हो। दिल में तो तुम्हारे लड्डू फूट रहे होंगे ना, एक बेटे को अपनी माँ के खिलाफ खड़े करके। अब तो यकीन हो गया होगा ना तुम्हें, ये बेचारे की एक्टिंग करते करते तुमने वाकई मेरे घर में अपनी जगह बना ली है। अगर तुमने इस लड़की का हाथ पकड़कर इस घर से बाहर कदम भी रखा ना, तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। I don't know, मैं इस शादी के लिए कैसे मनाऊंगा सबको? ना मेरी मॉम मेरी फीलिंग समझ रही है और ना ही कलावती आंटी।